अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमारी इनोवा क्रिस्टा के साथ रेस हुई, हमारी गाड़ी ने इनोवा क्रिस्टा को अच्छे तरीके से हरा दिया था। फिर बाद में क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर और एक सीवी में वापस बैठता हूँ इनोवा क्रिस्टा का पावर मोड लगाते वक्त, और फिर हमारी गाड़ी हो जाती है खराब। हमारी गाड़ी खराब हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुए इनोवा क्रिस्टा वाला भाई, और फिर उसकी खुशी के बाद हमने करवाई हमारी गाड़ी टो। देख लो कैसे गाड़ी टो हुई थी हमारी, ये हमारी गाड़ी हुई टो। वर्कशॉप ले गए, वर्कशॉप में पता चला कि इसका एक्सल ख़राब हो गया, एक्सल हमने रिपेयर करवा दिया और हमारी गाड़ी होगी फिट। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता था, अपनी एक्सयूवी हो गई थी खराब। खराबी क्या हुई थी, उसका एक्सल टूट गया था, मतलब एक्सल के अंदर का पार्ट टूट गया था उस गाड़ी के। तो हमने वो रिपेयर करवा दिया था अगले ही दिन। तो हमारी गाड़ी आ गई है वापस आ गई है, पर कलाकारी छोड़ूंगा नहीं, बैक ऑन ट्रैक है, ड्रैग रेस पूरी करेंगे, भगा दौड़ा पूरी ऐसी तैसी कर देंगे, लेकिन जिताएंगे ज़रूर इसको। आज इसके साथ एक आया हूँ मैं नई कलाकारी करने। आज मैं आया हूँ भाई गुड़गांव में, थोड़े पहाड़ी इलाके में। तो हम यहाँ आए हैं इस गाड़ी की ये चीज़ चेक करने कि भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है, 4x2 है अपनी, 4x4 नहीं है, तो ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी कहाँ मात खाती है। तो आज हम कुछ नहीं करेंगे, नेचुरली भाई सड़क है ये, भाई अच्छी खासी ऊंचाई है इस सड़क की। सड़क भी क्या है, ये ऑफ रोडिंग सा ट्रैक सा बना रखा है, सड़क का नामो निशान नहीं है, और पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, बहुत अच्छी खासी ऊंचाई है इसकी। गाड़ी हमारी इतनी नीचे आ गई और ये सीधा सीधा ऊपर चढ़ता रहता है। हम चेक करेंगे भाई इस गाड़ी में 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। जैसे आप लोगों को पता है डीजल की गाड़ी टॉर्क के लिए फेमस होती है, तो इस गाड़ी का टॉर्क कितना कामयाब है, 4x2 वर्जन कितना कामयाब है, आज चेक करेंगे। इस चढ़ाई पे इसको चढ़ाऊंगा मैं और पूरी कोशिश करूंगा कि एक्सेलरेटर नहीं दबाऊं। बिना एक्सेलरेटर दबाए इसको चढ़ाऊंगा, कहाँ दम तोड़ेगी, कैसे दम तोड़ेगी, वो मैं चेक करूंगा। क्योंकि इस सड़क पे भाई ऐसे ऊंचाई पे मैं इस तरीके से नहीं लेके गया इस गाड़ी को, लेके गया था बहुत पहले लेके गया था, तब इसकी हालत थोड़ी सी ठीक थी। अब बारिश हो गई और कुछ पत्थर गिरते रहते तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो रखी है। चेक करेंगे कहाँ कमी आती है गाड़ी में, क्योंकि 4x2 है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव थोड़े पहिए ज़्यादा घुमाती है अपने। तो बिना एक्सेलरेटर दबाए इसको चेक करेंगे, इसकी ताकत आजमाएंगे, क्योंकि ट्रैक पे ड्रैग रेस के टाइम तो भाई खतरनाक ताकत है इसकी, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी हर टाइप की गाड़ी को ये हरा देती। तो भाई आ गए हैं, बैठ गए हैं, हैंड ब्रेक नीचे कर दिया, पहले गियर पे लगा दी है, एक्सलरेटर बिल्कुल नहीं दबाऊंगा, क्लच में उठा के और क्लच में इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। क्लच छोड़ दिया है, पैर मेरा यहाँ पे है, चढ़ी नहीं, सीधी करके और अब इसको सिर्फ क्लच में चढ़ाएंगे और चेक करते हैं। पैर नीचे है मेरा, देख लो भाई नीचे है, कुछ नहीं दबा रखा, अच्छे खासे पत्थर है और भाई खींच रही है गाड़ी बिना परेशानी के। भाई पत्थर ही पत्थर, अपने आप रेस ले रही है। भाई जोर पूरा है, मान गए, पैर अभी भी मेरा नीचे ही है और आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, सड़क मेरे को दिख भी नहीं रही, मिट्टी दिख ही नहीं रही, सिर्फ पत्थर दिख रहे हैं मेरे को गोरे, और चढ़े जा रही है। किलोमीटर्स जिनने नहीं देखा देख लो, जो अपने इस चैनल पे नए हैं, 2,28,263। चढ़े जा रही है भाई, यहाँ एक बड़ा पत्थर, पर साइड से ले जाऊंगा। ये बेटे, अभी तक रेस नहीं दबाया मैंने, साइड है। अब आइए थोड़ी ठीक सड़क, अब इसका लगा के देखता हूँ, दूसरा गियर, क्लच छोड़ दिया, रेस मैंने अभी तक नहीं दी है और ये दूसरे गियर में चल रही है। अब बिना एक्सेलरेटर दबाए स्पीड पकड़ ली है, अपने नेचुरल टॉर्क में चल रही है,
ओए क्या बात, क्लच ले लिया मैंने, ब्रेक ले लिया, क्लच छोड़ दिया। एक बार आपको ऊंचाई दिखाता हूँ, कुल मेरे को 2 मिनट हुए होंगे गाड़ी में बैठे और इतनी ऊपर आ चुका हूँ, तो सोच लो कितनी खतरनाक चढ़ाई थी, कैसे पत्थर थे, आप ऊपर से भी देख सकते हो, ये पत्थर नीचे गिरते हैं इसके चक्कर में भाई, सारी ऐसी तैसी हो रखी है इस रोड की, मिट्टी मेरे को कहीं नहीं दिख रही, अभी ये थोड़ा सा प्लेन आया है, वरना पत्थर ही पत्थर, कोरे पत्थर है आगे, और पतली सड़क हो रही है, और भाई व्यू तो शानदार हो ही रखा है, मौसम और बेहतरीन हो रखा है, मेरे को लगा धूप होगी, तो दूसरे गियर में ही चलाऊंगा, सिर्फ क्लच क्लच में, सेकंड हैंड ब्रेक छोड़ दिया और पैर नीचे है, छोड़ दिया क्लच, ठीक है, सेकंड गियर सिर्फ क्लच, नो एक्सेलरेटर। यार यही फायदा है डीजल गाड़ी का, जो मजा है, यहाँ यार क्लच ले लेता हूँ, थोड़ी सी कीचड़ भी आ गई है, तो भाई डीजल गाड़ी का जो मजा है ना, वो सिर्फ डीजल फैंस जान सकते हैं, पेट्रोल वाले नहीं जान सकते, क्योंकि जो टॉर्क होता है ना डीजल गाड़ियों में, वो इतना प्यारा काम करता है, ऐसे पहाड़ की चढ़ाइयों पे कह लो या नॉर्मल गाड़ी दौड़े उसमें कह लो, तो टॉर्क अपना कमाल कर जाता है अलग से। अभी तक रेस भाई मैं कह रहा हूँ आलती पालती कर लेता हूँ चाहे, और ये गाड़ी भाई अपनी चले जा रही है, चले जा रही है। यहाँ भाई ब्रेक ले लेता हूँ, पत्थर आ गया है मोटा, इस पे कैसे निकालूं, साइड से निकालनी पड़ेगी, एक इधर ये बीच में लेना पड़ेगा, एक्सलरेटर अभी तक नहीं दिया मैंने, क्लच में ही ले रहा हूं इसको भाई, आज या तो गाड़ी जाएगी या क्लच जाएगा, एक काम होगा। अभी तक क्लच में ही चल रही है, हाँ भाई यहाँ हमने गाड़ी रोक ली है, क्यों, आगे रास्ता हो गया है और खतरनाक, आपको बाहर का व्यू दिखा दूंगा, कैमरा मैन उतार दिए मैंने ताकि आप लोगों को बाहर से भी दिखे कि क्या कुछ सीन है। यार कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि भैया XUV कहाँ गई, XUV को क्या हुआ, XUV का क्या स्टेज है, भाई इस गाड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, इसको रगड़ घेरूंगा पर होने नहीं दूंगा इस गाड़ी को कुछ। तो भाई रे अपना पहला गियर, हैंड ब्रेक नीचे, क्लच क्लच में उठेगी भाई, रेस नहीं दबाऊंगा मैं, उठानी मुश्किल है, एक बार रेस करके उठानी पड़ेगी, क्लच छोड़ दिया है, ठीक है अब अपने आप चढ़ रही है। ओए क्या बात भाई, भाई भाई शाबाश, उतर आई आए यार, ऐसे ही पावर थोड़ी है इस गाड़ी में, आपको मैं उतर के दिखाऊंगा कैसे, कुछ पत्थर थे, हैंड ब्रेक ढंग से खींच के, भाई इतनी ऊंचाई थी समझ नहीं आई भाई, बीच में पत्थर इसके ऊपर से, एक्सेलरेटर मैंने एक भी बार नहीं दिया है, वहां जब गाड़ी मैंने रोकी थी इसलिए एक्सेलरेटर दिया था, उसके बाद मैंने एक्सेलरेटर नहीं दिया उठाने के लिए, और उठने के बाद भाई अपने आप चल पड़ी है, वापस चलेंगे भाई, जान जो है XUV 500 में जो जान दी है महिंद्रा ने, मैं कह रहा हूँ 700 में भी नहीं दी है इन लोगों ने। और आगे सड़क कैसी है दिखाऊं भाई, आगे हो रही है पतली, साइड में पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ साइड में पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ से उठाऊंगा, हल्की सी रेस दे के उठाऊंगा मैं, क्लच क्लच में भाई फिर क्लच ही फूंक जाएगा, हल्की सी रेस दे के उठाऊंगा बस, जो गाड़ी पिक करनी होती है, उसके बाद वापस रेस छोड़ देंगे, क्लच दबा दिया,
हैंड ब्रेक छोड़ा, रेस दी और क्लच छोड़ दिया, क्लच छोड़ दिया, रेस से पैर नहीं है, अपने आप चढ़ रही है भाई। ये होता है डीजल गाड़ी का टॉर्क और ये होती है एसयूवी। XUV 500 महिंद्रा ने बनाई थी, ऑन रोड व्हीकल जो बोलते ना, सॉफ्ट रोडर, कि भाई ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में आपको इतने मजे नहीं देगी। अबे यार ऐसी सड़क से उठा के ले आए हूँ इसको मैं, सिर्फ क्लच क्लच में, मैंने रेस भी नहीं दी है और ये आ चुके हैं। क्लच में चल रही है अभी भी, देख लो यार, ये होता है डीजल गाड़ी का टॉर्क। साइड में लगा देता हूँ एक बार, 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे हमें अपनी गाड़ी को नीचे से ऊपर लाए, और कुछ नहीं, रेस वेस कुछ नहीं दिए मैंने, सिर्फ जब गाड़ी स्टॉप करी थी तो पिक करने के लिए गाड़ी में एक बार, एक दो बार एक्सेलरेटर दिया, खड़ी करी थी जब मैं उतरा था गाड़ी से तब दिया, और नहीं दिया मैंने। और आपको दिखा देता हूँ कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं, कितनी चढ़ाई थी, क्योंकि भाई मुश्किल से 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी, मुश्किल से कह रहा हूँ, क्लच क्लच में लाया हूँ। सड़क आपको दिखाऊँ यहाँ से, वो सड़क दिख रही कितनी नीचे है, सोच लो आप, वहाँ से इतने ऊपर ले आया हूँ इस गाड़ी को मैं, सिर्फ क्लच क्लच में, जो मतलब 2.25 लाख किलोमीटर चल के, मतलब गाड़ी एकदम अपने एंड पे आ चुकी होती है ना उस स्टेज पे, इसका साल भर बच रहा है मुश्किल से, और 2,28,000 किलोमीटर के बाद भी इंजन में देख लो कितनी जान है अभी भी भाई। हैंड ब्रेक नीचे, कुछ नहीं दे रखा, ब्रेक पहला गियर, ब्रेक छोड़ के क्लच में उठा दिया, अब की बार तो रेस भी नहीं थी। दूसरा गियर लगाता हूँ, क्लच छोड़ दिया, अरे बंद होगी भाई, दूसरा गियर में बंद होगी, पहले में उठाऊंगा, बिना रेस दिए उठा दी, और चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, कहाँ चढ़ानी है बताओ, वहां चढ़ा दूंगा इसको। पैर दोनों नीचे, चढ़ाई चढ़े जा रही है आगे, और दिख नहीं रही होगी पर भाई अच्छी खासी चढ़ाई है वहां। इसको दूसरे गियर पे ले जाऊंगा यार मैं, दूसरा गियर लगा दिया है, क्लच छोड़ दिया है यार। महिंद्रा की एक खराब बात है ये भाई, अंदर से बजती बहुत है। दूसरा गियर चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, ये पत्थर आगे नहीं रोकी, चढ़े जा रही है, यहाँ हो गई बंद। हाँ दूसरे गियर पे बंद हो गई, कहाँ बंद हुई है दिखाऊं आपको, इन पत्थरों पे चढ़ाई मैंने दूसरे गियर में, क्या टूट गया ये, अपना नहीं है, ठीक है भाई, ये पत्थर है दिख नहीं रहे होंगे, जूते से भी ऊंचे पत्थर हैं, ये पत्थर हैं, 9 नंबर का जूता पूरा आ रहा है, ऐसे पत्थर हैं, इन पे उठा के लाए इसको दूसरे गियर पे, यहाँ बंद हुई है, तो पहला ही गियर ठीक है इसका। वापस पहला गियर लगा देते हैं, रेस दे के उठानी पड़ी। तो यार करीब करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई एक्सयूवी ने अपनी ने पहले गियर पे बिना क्लच के लिए, डीजल का टॉर्क, यहाँ समझ आता है कि कितनी कामयाब होती है डीजल की गाड़ी, कितने कामयाब है महिंद्रा के इंजन, महिंद्रा के डीजल के इंजन,
सिर्फ 330 का टॉर्क है इसके अंदर, ज्यादा नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। 330 का है, फॉर्च्यूनर में 450 आने लग गया है, इसमें सिर्फ ये 330 का टॉर्क है। उसके बावजूद महिंद्रा ने इतनी जान झोंक रखी है इस गाड़ी के अंदर कि ये ड्रैग रेस में भी नहीं छोड़ती किसी को। अब 15-16 किलोमीटर चलने के बाद ना ड्रैग रेस में छोड़ रही, पहाड़ पे चढ़ा दी मैंने, और यूं नहीं कि सड़क थी, सड़क नहीं है यहाँ, यहाँ ऊंचे ऊंचे 30-30 एक एक फुट के तो पत्थर है, आधे आधे एक एक फुट के पत्थर, कंकरी पत्थर ही पत्थर यहाँ पर, और कुछ नहीं है। उसके बावजूद पहले गियर पे बिना रेस के और ऐसा कमाल का टॉर्क दिखाया है इस गाड़ी ने कि भाई ला जाओ आप, काबिले तारीफ है महिंद्रा। तो यार यही कुछ थी अपनी आज की वीडियो, चढ़ाई दिखा दी, इसका टॉर्क दिखा दिया, भाई काबिले तारीफ, लाजवाब। हमारी गाड़ी ऐसी तैसी हो गई थी एक्सल की, ठीक कराने के बाद लाया हूँ आज इसको मैं, और देख लो ये पत्थर इतना ऊंचा है, इसके ऊपर खड़े होके भी कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि हमने ये लगा रखा है। ऊंचाई में कमी नहीं, पावर में कमी नहीं, और बड़ी बात फ्रंट व्हील है, 4x2 है, इसके टायर अगर चाहते तो भाई स्लिप मारते अच्छे खासे, सब जानते कितना स्लिप मारते फ्रंट व्हील ड्राइव की गाड़ियां। ऊपर से 4x4 में चलो बहुत आसानी होती है चढ़ानी, 4x4 वाली आसानी इस गाड़ी की 4x2 में है, ये है इसकी खतरनाक चीज। तो यार यही कुछ थी आज की वीडियो, और लाऊंगा एक सीवी की सीरीज में, इसका हिल डिसेंट कंट्रोल चेक करूंगा, इसके और फीचर्स चेक करूंगा कि कितने कामयाब है महिंद्रा के फीचर्स 9 साल बाद। तो यही कुछ थी अपनी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, अपनी गाड़ी को प्यार दिखाते रहो, मेरे को प्यार दिखाते रहो, धन्यवाद।